Hi guys, welcome to my channel Amy the Biker. So guys, आजकल लोग ये है कि काफी लोगों ने पूछा है मुझसे ये कि आप डोमिनर क्यों सेल कर दिए और एक्सपल्स आप मतलब क्यों खरीदे, अपग्रेड क्यों किए, ये भी बोल सकते हो आप. सो एक्सपल्स खरीदने का जो रीजन था, मैं पॉइंट वाइज आपको बताता हूँ कि हम एक्सपल्स क्यों खरीदा. पहला पॉइंट ये है कि गाइस देखिए, एक्सपल्स जो है ना उसका ग्राउंड क्लियरेंस काफी ज्यादा है डोमिनर से. दूसरा पॉइंट ये कि एक्सपल्स का स्पीड कुछ लोगों को बहुत कम लगता होगा या टॉप स्पीड बहुत कम है, तो लेट मी टेल यू, ये एक्सपल्स ऑफ रोडिंग के लिए बना है, ना कि वो एक स्पोर्ट्स बाइक है जो आप इसको 200-150 भगा पाओ. ठीक है, और एक्सपल्स का टॉप स्पीड आई थिंक 130 या उससे ज़्यादा नहीं जाता है, तो आई डोंट थिंक 130 लेकर जाना चाहिए. आप 100 के बिलो चलाओ तो आप बहुत ही सेफ भी रहोगे, और एक्सीडेंटली अगर आपके सामने कुछ भी आता है ना तो आप ब्रेकिंग कर सकते हो. तीसरा पॉइंट ये है कि डोमिनर में ABS है, एक्सपल्स में सिंगल चैनल ABS है, जबकि डोमिनर में डुअल चैनल ABS है. तो आप ABS बाइक लेके ना ऑफ रोडिंग नहीं कर सकते हो प्रॉपरली, बहुत रिस्की होता है. क्योंकि मैं बता रहा हूँ, जब आपका स्लोप ऐसे रहते हैं, आप वहाँ हिल स्टेशन का भी विजिट करते हो, तो आपका स्लोप अगर ऐसे रहते हैं ना, पहाड़ से नीचे उतर रहे हो ना, तो ABS का काम क्या होता है ना, ABS समथिंग ब्रेक पकड़ता है छोड़ता है, पकड़ता है छोड़ता है, जब आपका बाइक में ABS होता है. आपने ये चीज़ नोटिस किया होगा, कभी कभी ब्रेक हार्ड भी हो जाता है सडन. ठीक है, तो क्यों वो पकड़ता है छोड़ता है पकड़ता है छोड़ता है, जिसके वजह से बाइक स्किड ना करे, बट वो रिस्की हो जाता है. मतलब उतरते उतरते यू नो कभी ब्रेक नहीं काम किया प्रॉपरली, तो आप खाई में गिर सकते हो या कुछ भी हो सकता है माउंटेन्स में, पैनिक ब्रेकिंग करने से, या आप किसी से भी लड़ सकते हो सामने वाले गाड़ी से. और एक्सपल्स में सिंगल चैनल ABS है, तो चलो यार पीछे का ब्रेक तो विदाउट ABS है, तो आदमी स्ट्रेट करके जैसे भी बच सकता है, या उस तरीका का ब्रेकिंग नहीं हो सकता है, ये एक रीज़न है. और हाईवे पे तो सिंगल चैनल ABS है ही AB, तो वो फ्रंट भी के ब्रेकिंग यूज हो सकता है पैनिक ब्रेकिंग के लिए, उसमें कोई इश्यूज नहीं है. तो और चौथा पॉइंट ये रहा कि एक्सपल्स का जो इंजन है ना वो बहुत ही रिफाइंड है, बोल सकता हूँ अब तक का. मुझे कल बाइक डिलीवरी में, मतलब आज ही 12 बज चुका है, तो आज बाइक डिलीवरी मिलने वाला है, मे बी 5-6 बजे तक शाम में जाएंगे डिलीवरी के लिए. तो हम ज़्यादा कि एक्सपल्स का बहुत सारा रिव्यू देगा उस हिसाब से बता रहा हूँ, टच ड्राइव किया, उसका सस्पेंशन जो है ना बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, मींस लिटरली आपको ऑफ रोडिंग करने में कोई भी फील नहीं होगा कि हाँ भाई सस्पेंशन हार्ड है या पीठ में दर्द हो रहा है, बट डोमिनर में ये चीज़ है. और कुछ लोग बात कर रहे हैं कि एक्सपल्स का सीट बहुत ज़्यादा हार्ड है, कैसे मैं राइड करूँ नहीं करूँ, तो भाई आप देखो ऑफ रोडिंग जब करते हो तो सीट पे बैठ के नहीं करते हो, आप नॉर्मल खड़ा होके करते हो ऑफ रोडिंग, असल ऑफ रोडिंग करने का तरीका वही है. और दूसरी चीज़ ये है कि डोमिनर में मतलब आजकल मार्केट पे फीको का सीट आ गया, कुछ भी आ गया, हाईवे पे आप उसको यूज़ कर सकते हो एक्सपल्स का सीट के ऊपर ईजिली. और एक्सपल्स का जो मतलब मेंटेनेंस है, कॉस्ट है, फ्यूल इफिशेंसी है, माइलेज है, वो बहुत ही अच्छा है डोमिनर के हिसाब से. लाइक यहाँ से जब मैं हम गुरगंबा किया था, तो मेरा डोमिनर जो माइलेज दिया था 25 का, और जबकि आपका एक्सपल्स देता है 38. तो देखो जो नॉर्मल मतलब फैमिली से बिलोंग करते हैं, मिडिल स्टैंडर्ड फैमिली से बिलोंग करते हैं, जैसे मैं बिलोंग करता हूँ, तो मेरे लिए भाई एक्सपल्स परफेक्ट है, क्योंकि उसका माइलेज भी है, मैं टूर भी कर सकता हूँ, मेरा पेट्रोल पे ज़्यादा पैसा वेस्ट भी नहीं होगा, मेंटेनेंस भी लो रहेगा. तो आप अगर उस प्राइस सेगमेंट से देखो ना, तो एक्सपल्स एक बेस्ट बाइक है, मैं बोल सकता हूँ इन्हें तरफ से वन ऑफ द बेस्ट बाइक फॉर ऑफ रोडिंग एंड फॉर द हाईवे इवन. बिकॉज मैं 80-85-90 के ऊपर मैं बाइक नहीं चलाता हूँ, क्योंकि मेरी वाइफ भी रहती है, तो मेरे ऊपर भी सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, और जो सिंगल बंदे भी होंगे उनके ऊपर भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, उनके भी फैमिली है, माँ बाप है. तो गाइज राइड सेफ, सेव लाइफ, बिकॉज जिंदगी एक बार मिलता है और उसे हम लोग को बहुत सही तरीके से यूटिलाइज करना चाहिए, राइट. ये नहीं कि यार रश ड्राइविंग किया, कल को कुछ भी एक्सीडेंट कहीं पर भी कुछ भी हो सकता है, गुरु आ सकता है, बकरी आ सकता है, यार मुर्गी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है.
सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस. वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर विद योर फ्रेंड्स, शेयर विद योर फैमिलीज एंड योर लव्ड वंस. थैंक यू.